हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका यूपीएससी मेंस के पेपर नंबर 3 में मैं वेलकम करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2, सरकार के बजट के अवयव, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज पार्ट 2 करेंगे और जितना हम किए हैं उससे आगे आज आगे की इसमें पार्ट देखेंगे। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूँगी जब ये पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 3। और पार्ट 1, 2 और 4 एज इट इज़ चल रहा है, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। व्यूवर्स जो नए आए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी मेंस के टॉपिक यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले इसका देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे। तो ये हमारा सिलेबस है ओवरऑल, और हम लोगों ने ये पॉइंट किया था सरकार के बजट के अवयव, ये वाला टॉपिक कर रहे थे। तो एक पार्ट इसका मैं करा चुकी हूँ, आज इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में वित्तीय प्रणाली देख के ये टॉपिक ओवरऑल ख़त्म कर देंगे हम लोग, फिर आगे के कोर्सेज पर चलेंगे। तो ये लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, तो जिन्होंने नहीं किया है वो लास्ट क्लास में जाके देख सकते हैं इसको। हमने प्रॉपर बजट पे डिस्कशन किया था कि कैसा बजट होता है, महत्व क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, बजट घाटे की अवधारणा क्या होती है, ये सारा हमने इसमें देख लिया था। अब हम देखेंगे कि बजट को कैसे बनाया जाता है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको शेयर किया था ये डायग्राम। तो सार्वजनिक आय होती है और ये सार्वजनिक व्यय होता है, दो चीज़ों पे बेस होता है बजट, आय और व्यय पे। तो इसकी ओवरऑल जैसे राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ये टर्म्स तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन प्रॉपर अगर डेफिनेशन दी जाए या उसे लिखने को कहा जाए अपने शब्दों में तो क्या लिखेंगे, तो आज यही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर देखा था आपने राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व आय के बारे में बात करते हैं, जैसे कि राजस्व आय और ये राजस्व प्राप्तियाँ भी इसे ही कहेंगे, आय और प्राप्तियाँ सेम होंगी। और ऐसे ही पूंजीगत आय के बारे में बात करेंगे, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों सेम है। सबसे पहले राजस्व प्राप्तियाँ देखते हैं। तो ऐसी प्राप्तियाँ जिन्हें लौटाने का दायित्व सरकार का नहीं हो, या जिनके साथ किसी संपत्ति की बिक्री नहीं जुड़ी हो। इसका मतलब ओवरऑल, जैसे कि अब मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाती हूँ, ये तो लैंग्वेज आपको लिखनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई प्राप्तियाँ मतलब रिसीप्ट होना, और राजस्व मतलब रिवेन्यू रिसीप्ट होना। तो ऐसा रिवेन्यू तो कैसे भी हो सकता है, रिवेन्यू मतलब होता है पैसा कहीं से मिलना। तो अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो भी रिवेन्यू ही होगा, बट ये राजस्व प्राप्तियाँ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको फिर लौटाना पड़ेगा उधार लेने वाला, तो वो उसे कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो यहाँ होगी राजस्व प्राप्तियाँ, जैसे सरकार ने इनकम टैक्स लगाया, निगम कर लगाया, बिक्री कर लगाया, या फिर कोई पैसा किसी को उधार दिया है तो उस पर ब्याज आ गया, किसी को फीस आ गई, लाभ मिल गया, किसी उसके सार्वजनिक कोई भी उपक्रम है उससे उसे लाभ मिला, तो ये सब उसे लौटाना नहीं है। लाभ लौटाना नहीं होता, आयकर लौटाना नहीं होता, निगम कर, बिक्री कर, ब्याज, फीस, ये सब लौटाना नहीं होता। तो इसको कहते हैं राजस्व की प्राप्तियाँ। इसमें उसकी लायबिलिटी बढ़ती नहीं, लायबिलिटी मतलब कर्जा बढ़ता नहीं है, इसे कहते हैं राजस्व की प्राप्तियाँ। नेक्स्ट होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ मतलब कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट वो होती है जिसमें सार्वजनिक प्राप्तियों को पूंजीगत आय कहते हैं, जिसमें सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है। मतलब सरकार के पास उस समय के लिए तो पैसा आ जाता है, बट उस पैसे को वापस उसे देना भी होता है। जैसे कि देश के अंदर लिया गया ऋण, अगर वो किसी रिजर्व बैंक से मान लीजिए ऋण लेता है, तो वो उसकी पूंजीगत प्राप्तियां हो जाती हैं। विदेशों से लिया गया ऋण वर्ल्ड बैंक से ले लेता है, या फिर WHO से ले लेता है, किससे भी ऋण ले लेता है, तो कैपिटल रिसीप्ट हो जाता है, क्योंकि उसका इसमें उस समय के लिए तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है, लेकिन वो तो उसे लौटाना है ना, तो इसीलिए ये इसका पूंजीगत प्राप्तियाँ हो जाती हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राजस्व व्यय मतलब कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने खर्चा, रिवेन्यू माने जो भी पैसा हमारे पास आता है, तो उसके अंदर उस खर्चों को रखा जाता है जिससे ना तो सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। जैसे कि
सरकारी विभागों को चलाने में होने वाला खर्चा भी। ये जो सरकारी विभाग चल रहे हैं इससे तो उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा ना, या फिर सरकारी सब्सिडी दी जाती है कर्ज पर ब्याज की अदायगी, अगर हमने किसी से कर्ज लिया है तो उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो उससे हमारे किसी भी उत्पादन क्षमता का मतलब आगे आय का स्रोत तो नहीं है ना ये सब चीज़ें। ये राज्य सरकार को कोई अनुदान दिया जाता है तो उससे भी कोई आय हमारी नहीं बढ़ती है, तो ये होता है राजस्व व्यय। ऐसी पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार के उन खर्चों को पूंजीगत व्यय के अंदर रखा जाता है जिससे सरकार की संपत्ति में वृद्धि होती है। जैसे अगर कोई अस्पताल बनाया जा रहा है तो अस्पताल बनाएंगे तो उसमें डॉक्टर्स आएंगे, मरीज आएंगे अपना इलाज करवाने, तो पैसे देंगे तो उससे लाभ होगा, तो ये होगा हमारा पूंजीगत व्यय। इसमें संपत्ति में वृद्धि भी हो रही है प्लस उससे लाभ भी हो रहा है। सड़क, स्कूल, किसी पुराने भवन की मरम्मत, ये सब सारी चीज़ें पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये देखिए, आपने ये देखा टेबल, तो हमने अभी बात की राजस्व आय की, पूंजीगत आय की, राजस्व व्यय की, पूंजीगत व्यय की। अब इसमें आपको दो टर्म्स और दिखाई दे रही होंगी, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले योजनागत, योजनागत मतलब प्लैंड एक्सपेंडिचर। प्लैंड अगर कोई एक्सपेंडिचर होते हैं कहते हैं, कोई एक्सपेंडिचर जिसे प्लान करके करा जाता है तो उसे कहते हैं योजनागत व्यय, जिसमें उत्पादन परिसंपत्ति का निर्माण होता है। और ऐसी परिसंपत्ति जैसे अगर हमें स्कूल बनाना है तो पहले से ही सोचेंगे ना कि हाँ स्कूल बनाने से हमें आगे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो ये योजनागत प्लानिंग हो गई इस चीज़ की। पुल बनाना है तो पुल से भी हमें लाभ होगा, टोल टैक्स मिलेगा। अस्पताल का निर्माण करना है तो ये प्लानिंग करने के बाद कल्याणकारी योजनाएँ तैयार की जाती हैं, तो उसे कहते हैं योजना। गैर योजना जिसका प्लानिंग ही नहीं होती, बस फालतू में खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि फालतू में भी हो जाते हैं लेकिन इसकी प्रॉपर प्लानिंग पहले से नहीं होती कि हाँ हमें इससे इतनी आमदनी प्राप्त होगी। ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसका विकास का कोई काम नहीं होता, इससे विकास नहीं होता है, ये चीज़ होती है इसमें। इसे गैर योजनागत व्यय की श्रेणी में जैसे कि रक्षा व्यय होता है, पेंशन होती है, महंगाई भत्ता होता है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ओलावृष्टि, तो इस सब पे जो खर्चा करना पड़ता है। अभी इसको तो पहले से योजना नहीं थी ना कि कहीं बाढ़ आ जाए, जैसे इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में बिहार में बाढ़ आई हुई तो उस राज्य को अनुदान देना पड़ेगा, तो अब ये गैर योजनागत व्यय के अंदर आ जाता है। और ये जो व्यय होता है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। चलिए आगे छोटी छोटी और टर्म्स होती हैं जिन पे हम बात कर लेते हैं। वैसे तो ये आपने प्री में भी पढ़ा होगा, बट अगर मेंस में आ जाता है कुछ क्वेश्चन तो आप एक एक लाइन में समझ के लिख सकते हैं। टैक्स क्या होता है मतलब कर, ये एक प्रकार का जो होता है अनिवार्य भुगतान होता है जिसे करदाता बिना किसी प्रतिफल के सरकार को देते हैं। अब टैक्स देते हैं अपनी इनकम पे तो उन्हें कोई वापस से रिटर्न नहीं मिलता है, तो ये होता है टैक्स। अब इस उपकर क्या होता है, तो ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन लगाया जाता है। जैसे कि आपने जब 10th क्लास में टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें शिक्षा कर, उपकर शिक्षा का लगाया जाता था सेस, तो वो होता था कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में इतना परसेंट और देना पड़ेगा अपने कर के अंदर ही। जैसे कि अब स्वच्छ भारत पे सेस लगाया जाता है, किसी कल्याण पे सेस लगाया जाता है, स्वच्छ पर्यावरण पे सेस लगाया जाता है, और जिसकी दर है 0.5%, ये इसमें सेस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अधिभार की मतलब सरचार्ज की। ये अधिभार कर के ऊपर कर है, मतलब कि जिसकी गणना कर दायित्व के आधार पर की जाती है, इसे सामान्यतः आय कर के ऊपर लगाया जाता है। सरचार्ज जो होता है जैसे टोटल आयकर हमारी इतनी है तो उस पर 1%, 2%, 3% जितना भी सरकार डिसाइड करती है उतना हमें सरचार्ज देना पड़ता है। तो ये जो तीनों टर्म्स है ये आपने पढ़ी होंगी 10th क्लास में, जब हम लोग हमारे टाइम में 10th क्लास में ये क्वेश्चंस आते थे टैक्सेशन निकालने को, तो उसमें सेस और सरचार्ज दोनों डिडक्ट वो ऐड करके देना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सार्वजनिक ऋण क्या होता है। तो सार्वजनिक पब्लिक डेब्ट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आंतरिक ऋण होता है, विदेशी ऋण होता है और अन्य ऋण होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है आंतरिक ऋण होता है जो सरकार अपने देश के अंदर ही ऋण लेती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल की बिक्री कर दे, प्रतिभूतियों की बिक्री कर दे, तो ये होता है आंतरिक ऋण। नेक्स्ट विदेशी ऋण, तो ऑब्वियस है विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय जो WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और ये जो
और भी बहुत सारे जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस टाइप की जितनी भी चीज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, इनसे अगर कोई ऋण लिया जाता है तो उसे विदेशी ऋण कहा जाता है। और अन्य ऋण जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि ब्याज मुक्त देयताएं हो गई, ये भी ऋण होता है, डाकघर बचत जमाएं हो गई, प्रोविडेंट फंड की जमा हो गई, अल्प बचत योजनाओं के प्रमाण पत्र, ये सारे जब सरकार इशू करती है तो वो पैसे, जब जनता पैसा देती है तो वो ऋण ही होता है ना, क्योंकि कुछ जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो जनता को वो चीज़ वापस देनी पड़ जाती है ऋण के रूप में। तो ये आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई, सार्वजनिक ऋण तीन प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे तीन नीतियों की, राजकोषीय नीति, समेकित कोष और आकस्मिक कोष, क्या होते हैं। तो राजकोषीय नीति तो अभी हमने, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जो सरकार की आय सार्वजनिक व्यय जैसे कि रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि, कर की दरें जो होती हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सार्वजनिक ऋण और घाटे की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित होती है, इसे कहते हैं राजकोषीय नीति। मतलब इन सब को ओवरऑल करके एक सरकार नीति बनाती है तो उसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है समेकित कोष, कंसोलिडेटेड फंड, यह भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार के समस्त राजस्व की प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल जो होते हैं और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है, ये सारे समेकित कोष के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है आकस्मिक कोष, इस फंड में आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राशि रखी जाती है, मतलब कोई अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई तो उसमें यहाँ पर देना पड़ता है, ये कोष उसके लिए रखा जाता है। इससे व्यय ऐसे मुद्दों पर किया जाता है जिनको टाला नहीं जा सकता, लेकिन बाद में संसद की अनुमति लेकर संचित निधि से रुपया लेकर इसमें डाल दिया जाता है, मतलब पहले तो इसमें से खर्चा कर लिया जाता है, बाद में इसमें वापस डाल दिया जाता है। इस पर राज्य के संबंध में राज्यपाल और केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये ओवरऑल टॉपिक था जिसमें हमने मेन मेन टर्म्स की बात की है कि जो बजट के संबंध में होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वित्तीय संरचना के बारे में बात करेंगे जो हमारे भारत की है, और उसमें देखेंगे कि आगे क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, और जो लोग नए हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लग रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।